हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। पीएम मोदी गवर्नमेंट के अंदर पांच बड़े बदलाव देखने को मिले तो फटाफट से हम जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर कमेंट ही हमारी मेहनत का फल है और ये हमें प्रोत्साहित करता रहता है। पहली खबर है पेटीएम से उधार और ट्रेन टिकट, ये है नए नियम। जी हाँ दोस्तों, जीवन की आपाधापी में अक्सर हम काम की खबरों को मिस कर जाते हैं। इस सप्ताह की कुछ ऐसे बदलाव हुए जिनको जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं उन सारे बदलाव। अब एक आईडी से बुक करें 12 टिकट। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों को खुशखबरी दी है। अब एक यूजर आईडी से एक महीने में 6 की जगह पे 12 टिकट बुक कराए जा सकेंगे। हालांकि इस सुविधा का लाभ उन्हीं यूजर को मिलेगा जिनका आधार IRCTC की वेबसाइट से लिंक होगा। एक दिन में एक यूजर आईडी से सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक केवल 2 ही टिकट बुक करा जा सकेंगे। अगली खबर है व्हीकल मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा भारी। जी हां दोस्तों, अगर आप भी अपने व्हीकल का मॉडिफिकेशन कराने की सोच रहे हैं तो आपके लिए व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हीकल कंपनी के व्हीकल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो विशेषताएं दिखाई है उसमें बदलाव करना संशोधित व्हीकल मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे में जुर्माना लग सकता है और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अगली खबर है पेटीएम का उधार खाता नहीं लगेगा ब्याज। जी हां दोस्तों, पेटीएम के उधार खाता शुरू किया है। इसमें कंपनी यूजर को खर्च करने के लिए 60,000 रुपए तक दे रही है। इस सेवा को पेटीएम पोस्टपेड सर्विस का नाम दिया गया है। यह फीचर फिलहाल बीटा वर्जन में उपलब्ध है। यूजर को हर महीने की पहली तारीख को बिल भेजा जाएगा और 7 तारीख तक भुगतान करने पर कोई भी ब्याज या चार्ज नहीं लगेगा। अगली खबर है जांच का खर्चा भी इंश्योरेंस के दायरे में। जी हां दोस्तों, स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने आदेश दिया है कि सर्जरी से पूर्व डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस और जरूरी जांच जैसे MRI आदि में होने वाला खर्चा भी हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में आएगा। एक केस की सुनवाई के दौरान कमीशन ने यह आदेश दिया। हालांकि सर्जरी के पूर्व अस्पताल में दाखिल होने के 30 दिन पहले की अवधि का होना चाहिए। अगली खबर है बेकार नहीं होंगे फटे कटे नोट, जाने कहां कहां चलेंगे। जी हां दोस्तों, अक्सर आपके हाथ में फटे कटे नोट लग जाते हैं जिसे कोई भी व्यक्ति लेने से इनकार कर देता है। ऐसे में बड़ा गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि अब ये नोट बेकार हो जाए। लेकिन दोस्तों, RBI ने अपनी गाइडलाइन में साफ कह दिया कि ऐसे नोट को आप किसी भी बैंक में जमा करवा सकेंगे। इसी के साथ में अपने बैंक खाते में जमा भी किया जा सकता है या फिर किसी बिल या टैक्स का भुगतान करने में ऐसे नोट। लेकिन रुको, अगर बैंक के अधिकारी को शक होता है कि आपने नोटों को जानबूझकर फाड़ दिया है तो ऐसे में जमा करने या बदलने से मना कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की काम की खबरों को प्राप्त करने के लिए नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।